बैंकों के निजीकरण प्रस्ताव के विरोध में सोमवार से दो दिन तक देश भर में सरकारी बैंकों में हड़ताल रही। नो बैंक यूनियन के केंद्रीय संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश भर के सरकारी बैंकों के 10 लाख से अधिक बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। बाड़मेर में भी स्टेशन रोड स्थित SBI बैंक के आगे बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले देश भर में लाखों बैंक कर्मी पिछले महीने भर से प्रदर्शन पर उतरते नजर आ रहे हैं। वहीं सोमवार को देश भर की बैंकों के कर्मियों ने दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया। इस दो दिवसीय हड़ताल के पहले दिन बाड़मेर की समस्त बैंकों पर ताले जड़े नजर आए और लेन देन के अभाव में खाताधारकों को बैरंग ही लौटना पड़ा। बाड़मेर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के कर्मचारी हड़ताल पर रहे और बैंकों के आगे प्रदर्शन कर निजीकरण का विरोध जताया। दो सार्वजनिक बैंकों के निजीकरण और अन्य कई मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम बैंक ऑफ यूनियन निजीकरण और अन्य मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बाड़मेर संयोजक गोपाल सिंह चौधरी के नेतृत्व में बैंक कर्मियों ने SBI की स्टेशन शाखा के आगे सरकारी बैंकों के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट किया। वहीं सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल में होने से बैंकों में सन्नाटा पसरा नजर आया तो उपभोक्ताओं को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बाड़मेर संयोजक गोपाल सिंह चौधरी ने बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियंस के 10 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले महीने भर से प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं यूनियन की ओर से देश भर में दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसके तहत सोमवार और मंगलवार को बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। जो देश भर में पब्लिक सेक्टर को निजीकरण के हाथों सौंपा जाने की जो केंद्रीय सरकार की नीति है उसके विरोध में रखी गई है। 15 और 16 अप्रैल को दो दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है और हमारी मुख्य मांग ये है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, जिनका देश के नागरिकों के लिए, देश की पब्लिक के लिए या छोटे व्यापारियों के लिए जो सुविधा के लिए पब्लिक सेक्टर में लाया गया था पिछली सरकारों द्वारा, वो सुविधा यूं ही बरकरार रहे और जो निजीकरण के हाथों में जो केंद्र सरकार द्वारा साजिश रचकर जो सौंपे जाने की प्रक्रिया चल रही है उसको प्रक्रिया को यहीं रुकवाने के लिए पूर्व पहले से ही विरोध स्वरूप ये हड़ताल रखी गई है और हमारी ये मांग रहेगी केंद्र सरकार से कि बैंकों जैसी संस्थाओं का जिसमें 51% गवर्नमेंट का शेयर है और जो आज तक फायदे का सौदा रही है पब्लिक के, केंद्र सरकार के नीतियों के तहत जो भी स्कीम्स रही है चाहे वो ऋण की हो चाहे कोई और इंश्योरेंस की हो, उनको आज तक इन्हीं बैंकों ने इम्प्लीमेंट किया है। बैंक कर्मचारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, जो कि कर्मचारियों और आम जन के साथ कुठाराघात है। गौरतलब है कि शनिवार और रविवार को अवकाश होने के कारण बैंक बंद थे और दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के चलते सोमवार और मंगलवार को भी बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में चार दिन बैंक बंद रहने से व्यापारियों के साथ लेन देन करने वाले खाताधारकों को काफी परेशानियों को झेलना पड़ रहा है।